हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और सुबह में उठी हूँ, चाय पी और ऊपर छत पे आ गई हूँ। आज बहुत तेज़ धूप है। आज कौन सा डे है? संडे है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो अभी बाबू का जो है ना तेल मालिश हुआ है, तेल मालिश होकर के वो प्रैम्प में लेटा दिया गया है। स्कार्फ जो होता है ना वो बांध दी, क्योंकि सारा वो टोपी वगैरह सब कुछ नीचे खुला हुआ था, ऊपर था ही नहीं कुछ। और धूप में बहुत तेज़ धूप रहता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हवा रहता है। और मुझे पता चल चुका है कि इसको सर्दी जल्दी लग जाता है और बहुत हेवी वाला, क्योंकि मुझे भी सर्दी है। अभी थोड़ा सा जो होता है ना ठंड के मौसम में थोड़ा थोड़ा होता ही है सर्दी खांसी ये सब, तो इस वजह से कान ढक दिया गया है जैसा भी दिखे, लेकिन ज़रूरी है स्वस्थ रहना। तो ऐसे करके वो धूप सेक रहा है प्रैम्प में। सॉरी मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी वाला है। अभी सर भी भारी भारी सा लग रहा है। सर्दी जब हो जाता है ना तो सर भी भारी भारी सा लगते रहता है और गले के पास भी दर्द होते रहता है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, 3-4 बजे सुबह में उठना ही पड़ता है। बाबू डेली डेली 4 बजे तो पॉटी करता ही करती है, पता नहीं इसका कौन सा रूटीन बन गया है। सुबह चाय ही मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ थोड़ा देर, जब तक ये धूप सेक रहा है। उसके बाद गर्म पानी ला करके आज यहाँ छत पे ही इसको नहलाने वाली हूँ, और यहाँ नहला करके फिर से इसको फीट करा करके प्रैम्प में डाल दूँगी। थोड़ा देर जब धूप सेक लेगा उसके बाद आज इसको नीचे ले जाने वाली हूँ, और मैं भी उसके बाद नहा धो करके खाना पीना खा करके आ जाऊँगी। तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, देख सकते हैं वेशभूषा कैसा है। गाँव का पता नहीं, गाँव का गाँव जैसा दिखने ही लगेगा। बाबू और मीठी भी ना गाँव में आती है तो पता नहीं अपने से दिखने लगती है। तो ये देखिए मीठी आ गई। इधर देखो, तो यहाँ पे तेल मालिश होने के बाद बाबू आराम से धूप सेक रहा है। आज बहुत ही कड़ा धूप था, तो यहाँ पे ये जो है ना स्कार्फ एक है घर का ही है, तो वो मैं बांध दी। बहुत ही बेकार सा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा है ना, तो हवा की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि धूप तो लग रहा है लेकिन सर्दी ना हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अब इसको सर्दी खांसी होने से, क्योंकि होता है उसके एक शाम बीतता है दूसरा शाम से इसका बहुत ज़्यादा वाला हो जाता है। तो मुझे डर लगता है, मैं चाहती हूँ हो ही ना इसको, बस थोड़ा सा भी सर्दी खांसी ना हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखा है और इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसको ना हो जाए, क्योंकि ये सर्दी खास करके सर्दी जो होता है ना इन्फेक्शन वाला होता ही है। सर्दी वालों के साथ रहो तो हो ही जाता है, तो मैं बहुत बचा बचा के उसके साथ हूँ अभी। क्या हुआ? ऐसे ऐसे ही हंस रही हूँ। क्यों हंस रही हूँ? आपके बात पर हंस रही हूँ। मेरे बात पर हंस रही हूँ? मैंने क्या बोला? कब कह दिया? ये मैंने कब कहा? रात में। रात में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं कि पापा आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं बोला। दादी क्या कर रही है? दादी झाड़ू लगा रही है। ये क्या हुआ था क्या बेटा? हंस रही हो बिना मतलब का हंस रही हो तुम तो? मेरा नाम मिट्टी है और दिव्यांश से मेरा नाम। और क्या? और है राजकुमारी मेरा नाम। अच्छा, दिख नहीं रही है मुझे धूप की वजह से। यहाँ पे आके बात करना तो करो, नहीं तो मैं रख देती हूँ। हाँ आप बोलो, यहाँ पे आ जाना मेरे पास। पता नहीं चल रहा है, मोबाइल में कुछ दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा टाइप का लग रहा है। और देखो, और मेरा भाई का नाम है ओम है मेरा भाई का, और मिठाई है और रसगुल्ला है और है, और उसका नाम है हीरो भी है, और कुछ नहीं है। कृष्णा नहीं है? कृष्णा भी है। ठीक है, तो बाय बोल दो। बाय बाय।
कई दिनों बाद बाबू अच्छे से हेयर वॉश करके और अच्छे से नहाएगा, मतलब शैम्पू वगैरह लगा करके, कई दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत दिन से मैं ऐसे पोछते ही आ रही हूँ, गर्म पानी से पूरे बॉडी पोछ रही हूँ, बाल पोछती थी, सब कुछ, मतलब सरवर सब कुछ पोछती थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी है, और ये मैं वहाँ पर जो डॉक्टर से दिखाई थी उसी टाइम क्रैडल कैप के बारे में भी बोली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर में खुजली करता है, तो डॉक्टर ने ये दवा दिया था। देख सकते हैं ये क्रीम है और ब्लैक वाला जो है वो शैम्पू है। पहले शैम्पू करना है, उसके बाद ये क्रीम अप्लाई कर लेना है। पता नहीं कितना दिन में ठीक होता है, मुझे तो लगता है 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक ठीक हो गया और सर भी नहीं खुजला रहा है। तो बस इसको मैं नहलाऊंगी, नहलाने के साथ ही साथ शैम्पू करूंगी ये वाला, और ये वाला क्रीम लगाऊंगी। अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा है, बाबू के साथ क्रैडल कैप वाला, तो सेम ये शैम्पू और क्रीम देख करके ले सकते हो, क्योंकि इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हो सकता है तो अगर वो दवा के दुकान में ही मिला था तो ले सकते हैं। अभी बाबू को मैं नहला रही हूँ छत पर, क्योंकि छत पर धूप भी था, धूप था, लेकिन जिस टाइम मैं नहला रही हूँ यहाँ पे धूप नहीं है, तो मैं पछता रही थी, गर्म पानी लेकर के तो आ गई थी ऊपर में, लेकिन धूप नहीं था तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, गर्म पानी था। और छत इस तरह का है कि ज़्यादा, मतलब ये नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब हवा वगैरह नहीं आता है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको नहलाऊँगी और ऊपर में ही वो क्रीम अप्लाई करूँगी, उसके बाद नीचे ले जाऊँगी, अच्छे से कपड़ा वगैरह पहनाऊँगी। तो मैं पहले सोची थी इसका कपड़ा जो रखा हुआ है वो सब सूख गया है, मतलब सूखने जैसा हो गया था जब मैं पानी गर्म करने आई थी तो, लेकिन मम्मी देखी तो एक भी कपड़ा, मतलब एकदम अच्छे से नहीं सूखा था, तो बस जो कंबल मैं लाई थी उसमें लपेट ली हूँ। और धूप अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी वो, मतलब बिना कपड़ा का है तो ठंड तो लग ही रहा होगा, इसलिए कंबल में अच्छे से लपेटी हूँ, और उसके बाद वही क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये चिड़चिड़ा रहा है अभी, बिल्कुल लगवाना नहीं चाह रहा है, बहुत 4-5 जगह नाखून लगा लिया हुआ है, जिसकी वजह से मतलब खून निकल गया हुआ था, तो वो रेड रेड जैसा दिख रहा था। मैं उन सब पे अच्छे से क्रीम लगा रही हूँ, और जितना जगह पे है क्रैडल कैप, जितना जगह पे वो जो है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, जमड़ी, वो सारे जगह पे अच्छे से लगा देना है। बाल है तो चिपक रहा था तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में सूख गया था तो इतना ख़राब कुछ नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं कैप पहना दी ताकि वो नाखून उखून ना लगाए, फिर से हाथ में ना लगाए, और हाथ मुंह में डालते रहता है अभी तो इसलिए सतर्कता से थोड़ा सा कैप पहना दी। उसके बाद अभी मैं जाने वाली हूँ नीचे। तो ये आ गई हूँ मैं नीचे, और ये देखिए मैं बाबू को सुला करके गई थी, मतलब फीट कराई थी, उसके बाद मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, क्रीम लगाई थी और उसके बाद फीट करा के सुला दी थी, कपड़ा वगैरह सब कुछ पहना करके सो गया था। और जैसे ही मैं खाना खाने बैठी हूँ उस वैसे ही ये उठ गया है, तो तब तक मीठी इसको चुप करा रही थी, तब तक मैं जल्दी जल्दी खाई हूँ और मीठी को भी खिला रही थी, बेचारी वो भी खा रही थी। और उसके बाद खाने के बाद वही मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये कैसे जग गया है। और इसके बाद मैं करने वाली हूँ बेड ठीक। आज मैं सुबह में बेड भी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं की, क्योंकि आजकल ना बेड पे कंबल वगैरह इतना हो जाता है, 2 कंबल, 1 बाबू का कंबल, 3 रहता है,
वैसे मैं दो नहीं ओढ़ रही हूँ, लेकिन मम्मी जी ला के यहाँ पे रखी हुई है, तो यहीं पे है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ओढ़ लूँगी। और रखा है भी तो कहाँ, निकल गया है सारा, तो बेड पे ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे का जो भी